जय श्री कृष्ण। मैं हूँ निगम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग तरवे के लिए संदाना की सामग्री लॉन्जी कैरी सिद्ध करेंगे। उष्ण काल में हम श्री प्रभु को आम, गुलकंद और खरबूजा की विविध सामग्री भोग तरते हैं, तो आज हम आम का उपयोग करके एक संदाना की सामग्री सिद्ध करेंगे। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में श्री ठाकुर जी को मंगल भोग एवं राजभोग समय संदाना की कटोरी अवश्य धरी जाए, तो संदाना सिद्ध करने की शुरुआत करते हैं। लॉन्जी कैरी की सामग्री सिद्ध करने के लिए दो मीडियम साइज के कच्चे आम जल से खासा करके लिए हैं। अब हम आम को छील कर उसके टूक कर लेंगे। आम के मीडियम साइज के टूक कर लिए हैं। एक चम्मच तेल लिया है, आधा चम्मच सूखी मेथी के दाने, आधा चम्मच राई, पाव चम्मच हींग, दो दालचीनी के टुक और दो लौंग ली है। एक चम्मच सेंधा नमक लिया है, इसकी जगह आप रेगुलर नमक भी ले सकते हो, और एक कप शक्कर ली है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच बारीक पीसी हुई काली मिर्च ली है। अगर आप काली मिर्च की जगह लाल मिर्च लेना चाहो तो भी ले सकते हो। सबसे पहले गैस पर एक पात्र यानी कि कढ़ाई रखें और उसमें एक चम्मच तेल पधराएं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अभी मैंने मूंगफली का तेल लिया है। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब दो दालचीनी के टुक, दो लौंग और आधा चम्मच सूखी मेथी के दाने पधराएं। सूखी मेथी के दाने थोड़े चिटकने लगे हैं, अब आधा चम्मच राई पधराएं और बघार को अच्छे से मिला लें। राई भी चिटकने लगी है, अब पाव चम्मच हींग पधराएं और इसे अच्छे से मिला लें। बघार तैयार है, अब एक कप आम के टूक पधराए और नमक पधराए। 5 से 6 मिनट तक आम को मीडियम फ्लेम पर चलाते रहे ताकि आम अच्छे से पक जाए। ये सामग्री सिद्ध करना बहुत ही सरल है। आम का रंग धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो रहा है। अब हम आम को चेक करेंगे। आम के टूक अच्छे से पक गए हैं। अब गैस की फ्लेम स्लो करें और एक कटोरी शक्कर पधराएं। शक्कर का नाप आप आम से दुगना या तीन गुना भी रख सकते हो। अब स्लो फ्लेम पर शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो इसी तरह कंटिन्यूसली चलाते रहे। धीरे धीरे शक्कर अच्छे से मेल्ट होने लगी है। अब हम उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर पधराए और इसे अच्छे से मिला ले। गुजराती घरों में हम आम का वघारियू या बटाक्यू सिद्ध करते हैं, वैसी ही ये सामग्री है। अब शक्कर धीरे धीरे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब उसमें आधा चम्मच पीसी हुई काली मिर्च पधराए और अच्छे से मिला ले। काली मिर्च की जगह आप लाल मिर्च की ले सकते हो। अब सामग्री थोड़ी गाढ़ी होने लगे और दो खदका आए तब तक उसे चलाते रहना है। आप देख सकते हो खदका आने लगा है और शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है।
अब गैस की फ्लेम बंद करें। इस तरह की मीडियम थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। सामग्री को ठंडा होने दे। उसके बाद कटोरी में पधराकर श्री प्रभु को भोग धरे। आज हमने श्री प्रभु के लिए संधाना की सामग्री लॉन्जी कैरिसित करना सीखा। ये सामग्री की रीत व्यंजन प्रदीप ग्रंथ में पेज नंबर 71 पर दी गई है। अगर अनुकूलता हो तो आप भी ये सामग्री अवश्य सिद्ध करें और श्री प्रभु को भोग धरे। और कैसी सिद्ध गई है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इसी तरह श्री ठाकुर जी की सेवा के अनुरूप विविध सामग्री की रीत जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।